तो मैं इसे बता देती हूँ आपको, देखिए वाह कितना बढ़िया दिख रहा है और खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है। हाय फैमिली, आप सभी का स्वागत है मम्मा की रसोई में। तो आज हम बनाएंगे पनीर का पराठा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने एक बड़ी चपाती बेली है, चपाती वाला आटा ही है हमारा, तो इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। अब इस पे हम लगाएंगे कट, एक सेंटर में कट लगा देंगे। तो सबसे पहले तो मैं डालूंगी पनीर इसमें, कोई भी चीज़ आप इसमें डाल सकते हो, पनीर भी डाल सकते हो, चीज़ भी डाल सकते हो, आलू का मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन हम बना रहे हैं पनीर पराठा। थोड़ी सी शिमला मिर्च डालेंगे हम, एक साइड शिमला मिर्च डाल देंगे, एक साइड प्याज, एक साइड हरा धनिया। अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं हो तो आप नमक, मिर्ची, अचार, अलग अलग चीज़ें इसमें डाल सकते हो। अब मैं डालूंगी इसमें मसाला, तो चाट मसाला डाल देंगे इसमें। एक में हम डालेंगे नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देंगे। अगर लाल मिर्ची बच्चों को बना रहे हो, बच्चे नहीं खाते, तो आप लाल मिर्ची को स्किप भी कर सकते हो। अब इसे हमें करना है फोल्ड, सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, चिपकाते जाएंगे। किनारे इस तरह से चिपका देंगे। सूखा आटा लगा के हम इसे थोड़ा सा बेलेंगे। आराम से बेलें। ये रहेगा थोड़ा मोटा ही पराठा हमारा। जितना पतला हो सकता है उतना आप इसे बेल लें। और इसे हम सेकेंगे, आराम से डाल देंगे, गैस फुल कर देंगे या मीडियम रख लें आप, और इसे नीचे से सिकने देंगे। अभी नीचे से सिक गया, हम लगाएंगे घी। आप बटर, घी, तेल कुछ भी लगा सकते हो। अब इसे उलट पलट करते हुए हम इसे सेक लेंगे। देखो हमने कितने गरारा सेक लिया, अच्छे तरीके से दबा देंगे। गैस सिम कर दी मैंने अभी इस समय। अब इसे नीचे से भी सिकने देंगे। ये हमारा पराठा सिक गया है, देखिए मैंने इसे उलट पुलट करते हुए गैस सिम पर ही सेका है। इसे हम कट कर लेंगे। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। तो मैं इसे बता देती हूँ आपको, देखिए वाह कितना बढ़िया दिख रहा है और खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पराठा जरूर पसंद आएगा और जरूर ट्राई करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।